मध्य प्रदेश के सागर की उपनगरी मकरोनिया में बीते दिनों भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता और उनके अन्य परिजनों द्वारा बीच चौराहे पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से ही लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने क्षेत्रीय विधायक और पार्टी के अन्य नेताओं पर आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर। दरअसल बीते दिनों सागर की उपनगरीय मकरोनिया में भाजपा से निष्कासित नेता मिश्री चंद गुप्ता और उनके अन्य परिजनों द्वारा बीच चौराहे पर एक युवक की थार गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच कमेटी गठित की थी। इस मामले में जांच कमेटी ने जांच के बाद भाजपा नेताओं और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया पर आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया के संरक्षण के चलते आरोपी लगातार अपराधों को अंजाम देते रहे और पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि तत्कालीन महापौर रहे प्रदीप लारिया के समय पर पाइपलाइन चोरी से लेकर अब तक कई संगीन अपराध आरोपियों ने अंजाम दिए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। वजह थी कि क्षेत्रीय विधायक और भाजपा नेताओं का आरोपियों को खुला संरक्षण रहा। इस मामले में हमारा सीधा आरोप है कि नगर निगम की पाइप घोटाले के आरोपियों से लगातार संबंध होने के कारण आज भी उन्हें संरक्षण है। कितनी गंभीर घटना हो गई, उन्होंने इसकी छुट्टी करी, ये 30 तारीख तक छुट्टी में, ये आप हम लोग यही तो कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर जब पुलिस चौकी के सामने अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चौकी के सामने से गाड़ी ले आके चढ़ा रहे हैं, तो इस पुलिस पर और क्या विश्वास किया। लारिया जी को डर है क्या कि पाइप घोटाले में ये लोग थे शामिल सारे लोग, कि कहीं वो इनका खुलासा ना कर दें, तो लारिया जी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? निश्चित उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं चाहूँगा कि वह इसको उत्तर दें। तो अपना सत्तारूढ़ दल के लोगों का, विधायकों का और मंत्री लोगों का हाथ है, जिस कारण से यह अभी तक टूट नहीं पाया है। वरना आप कई उदाहरण देखेंगे, उनके 24 घंटे के अंदर मकान आ टूटे। हमारी पार्टी के स्मार्ट होटल इमीडिएट तोड़ी गई थी, क्योंकि कांग्रेस का उपाध्यक्ष था हमारा। मकान भी उनका। सागर से आदर्श दुबे के साथ जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।